सोलह सो नौ रुपए पे, पे खुला था और वही सुबह के कारोबार में ये पिछले बंद भाव से 5.90 पॉइंट नाइनटी प्रतिशत टूट कर पंद्रह सौ पैंसठ रुपए के लो तक आया था ये देखिए शेयर के लिए लोअर प्राइस बैंड ट्वेंटी प्रतिशत की गिरावट के साथ तेरह सौ तीस रुपये पिचासी पैसे पे एंड पिछले एक साल के अंदर देखा जाता है कि पतंजलि फूड ने सिक्सटी एट प्रतिशत तक का रिटर्न दिया है एंड फिफ्टी टू वीक अगर बात की जाए तो उसका सत्रह सौ तेरह रुपये पैंतीस पैसे एंड वही निचला सर देखा जाए तो आठ सौ इक्यावन रुपये सत्तर पैसे पे है पतंजलि फूड का मार्केट कैप सत्तावन हज़ार सात सौ तैंतालीस रुपये का है जिसकी मैं बता दूँ आप लोगों को कि फिफ्टी सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड फोर्टी सेवन करोड़ रुपये का इसका मार्केट कैप है पतंजलि फूड्स का पुराना नाम रुचि सोया इंडस्ट्री था पतंजलि आयुर्वेद के इस इसे खरीदने को लेने के बाद ही मतलब तो मजब पतंजलि ने आयुर्वेद ने जब इसको खरीद लिया था उसके बाद ही कंपनी का नाम पतंजलि फूड हो गया था एंड एफएमसीजी और एडिबल ऑयल कंपनी पतंजलि फूड में दिसंबर दो हजार थी इसके आखिरी तक प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी सेवेंटी थ्री पॉइंट एटी टू प्रतिशत और पब्लिक की हिस्से ट्वेंटी सिक्स पॉइंट एटीन प्रतिशत थी मैं आप लोगों को बता दूँ कि पतंजलि फूड का रेवेन्यू फ्लैट मतलब तो कि फाइनेंशियल है दो तो हजार तेईस चौबीस की अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर में पतंजलि फूड का शुद्ध ना मुनाफा आप कह सकते हो नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 19.6 प्रतिशत से गिरकर मतलब 216.5 करोड़ रुपये रहा है एंड कंपनी की रेवेन्यू की बात की जाए तो वो भी 0.2 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ सात सौ सात पॉइंट करोड़ रुपये पे आ गया है क्वार्टर के दौरान ईबीटा सालाना आधार पर 6.5 पॉइंट फाइव प्रतिशत की गिरावट तीन सौ चालीस पॉइंट वन करोड़ रहा है तो गैस और ओपर देखा जाता है कि थोड़ी सी माइनस से गिरावट ही है जिसकी वजह से इसके अंदर थोड़ी तेजी भी आई है और बिकवाली भी देखने को मिली है बाकी मैं आपको यही कहूंगी कि खुद से स्टडी करिएगा चेक करिएगा इन्वेस्ट करके चलिएगा चाय पर नए है ना तो लाइक पर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में